छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका नक्सली मुठभेड़ों के कारण बदनाम रहा है, लेकिन इसी इलाके से अब एक अच्छी खबर आ रही है। 27 साल की उषा किरण देश की पहली सीआरपीएफ महिला अफसर बनेंगी, जिन्हें इस इलाके में तैनात किया गया है। उषा सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर काबिज हैं। उषा रायपुर से 350 किलोमीटर दूर बस्तर के दरभा डिवीजन के सीआरपीएफ के कैंप में तैनात हैं। ये वही इलाका है जहां पर साल 2012 में एक बड़े कांग्रेसी नेता समेत 34 लोगों को नक्सलियों ने मार दिया था। नक्सली इलाका पोस्टिंग के लिए उषा की पहली पसंद थी। वो हर ऑपरेशन में जवानों की अगुवाई खुद करती हैं। उषा किरण मूल रूप से गुरुग्राम की रहने वाली हैं। वो अपने परिवार से सीआरपीएफ ज्वाइन करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। इससे पहले उनके दादा और पिता सीआरपीएफ में रह चुके हैं। फिलहाल उनके भाई भी फोर्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। उषा को सीएपीएफ 2013 की परीक्षा में 295 रैंक मिली थी और अब सीआरपीएफ की ये शेरनी नक्सलियों के हौसलों को पस्त करती दिख रही है।